आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पुतिन के लिए बाइडेन बोले, भगवान के लिए ये आदमी दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। पिछले 6 दिनों के अंदर आज 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम। नवरात्रि और रूस यूक्रेन युद्ध पर कर सकते हैं चर्चा। 2 साल बाद आज से भारत नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करेगा, कोरोना के चलते थी पाबंदी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शादी के लिए बुक बस हादसे का शिकार, 7 लोगों की मौत, 45 घायल। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 50 पैसे और डीजल के दाम 55 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे हो गई है। कल राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 6 दिन के अंदर 5वीं बार ईंधन एक बार फिर से महंगा हुआ है। आशंका है कि रूस के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंध ज्यादा वैश्विक आपूर्ति को कम कर देंगे और विकास को भी प्रभावित करेंगे। कच्चे तेल की कीमत सीमा भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल के 15 से 20 रुपए महंगा हो सकता है। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का करीब 95% कच्चे तेल का आयात करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रविवार 27 मार्च यानी आज से नई उड़ान शुरू होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार शाम जारी एक बयान में ये जानकारी दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सीएम योगी रविवार को गोरखपुर से वाराणसी के बीच नई उड़ानों की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से लखनऊ से शामिल होंगे। आगे उन्होंने बताया कि ये हवाई सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू की जा रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से हिस्सा लेंगे, जबकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन सड़क परिवहन और राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने आगे बताया कि गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से गोरखपुर से जुड़े गंतव्य स्थानों की संख्या 8 और कुल विमानों की संख्या 12 हो जाएगी। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से प्रदेश में नागरिक उड्डयन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सरकारी ट्रॉमा सेंटर में चौकी प्रभारी आदेश कुमार त्रिपाठी ने एक वृद्ध विकलांग महिला की चाय की दुकान पर रखा सामान फेंक दिया। इसके बाद भी चौकी इंचार्ज सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। जब पीड़िता ने विधायक को ये घटना बताने की बात कही, तो इंचार्ज साहब ने विकलांग महिला को धमकाते हुए कहा कि मनीष असीचा विधायक फिरोजाबाद कौन होते हैं, क्या वो यहाँ विधायकी चलाएंगे। इसके बाद चौकी प्रभारी आदेश कुमार ने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता करते हुए उनकी आईडी मांगी। तो इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह चौकी इंचार्ज की दबंगई देखने को मिली। चौकी इंचार्ज एक वृद्ध महिला की दुकान पर जाकर उसकी दुकान जबरन बंद करवाने की कोशिश करता है। जब वृद्ध महिला उसका विरोध करती है, तो चौकी इंचार्ज साहब महिला की दुकान पर मौजूद सभी सामान फेंकते हुए नजर आते हैं। इसके बाद भी चौकी इंचार्ज इतने पर ही नहीं रुके। चौकी इंचार्ज आदेश कुमार त्रिपाठी ने पत्रकारों के साथ भी इस दौरान अभद्रता करते हुए उनकी आईडी मांगी। वहीं अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
उन्नाव में परिषदीय परीक्षाओं को लेकर बीएस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला का पेपर नहीं पहुंचा, प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने से सभी विद्यालयों में कला की परीक्षा नहीं हो सकी। कुछ विद्यालयों में शिक्षकों ने अपने स्तर से बोर्ड पर प्रश्न दिए। सभी कक्षाओं में लिखित परीक्षा करवाना अनिवार्य है। बीएसए संजय तिवारी का इस मामले में जवाब आया, कला और संगीत का पेपर विद्यालयों में नहीं जाता है। तो ये आप एक बड़ी लापरवाही देख सकते हैं, किस तरह उन्नाव में परीक्षा को लेकर बीएसए की बड़ी लापरवाही सामने आई। कक्षाओं में परीक्षा पत्र नहीं पहुंचा, जिसके बाद कुछ शिक्षकों ने जो कक्षा में बोर्ड मौजूद थे उसी पर प्रश्न लिखकर बच्चों को प्रश्न दिए ताकि बच्चे अपना पेपर कर सके। तो उन्नाव में परीक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है कि विद्यालयों में कला का पेपर ही नहीं पहुंचा, जिसके बाद मौजूद कक्षा में शिक्षकों ने बच्चों को बोर्ड पर प्रश्न लिख के दिए ताकि वो अपनी जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। इस दौरान आप टीवी स्क्रीन पर अपनी परीक्षा पेपर की तस्वीरें भी देख सकते हैं। कक्षा 8 के पेपर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस दौरान। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं। चैतन्य जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बताना चाहूंगा कि बीएसए की एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और पूरे मामले में बीएसए का जो रवैया है, जो जवाब है, वो मामले में पूरी तरीके से गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय जो जहां पे कला का जो पेपर होना था उसमें एक बड़ी लापरवाही है कि प्रश्न पत्र वहां पे नहीं पहुंच चुके हैं। नियमता सिर्फ कक्षा 1 में ही होती है, जो कि मौखिक परीक्षा होती है, बाकी की कक्षाओं में लिखित परीक्षा कराना अनिवार्य था। चैतन्य जी, इतनी बड़ी लापरवाही की आखिर वजह क्या रही है कि बच्चों के पास उनके परीक्षा प्रश्न ही नहीं पहुंचे? जी, बताना चाहूंगा कि उसमें साफ साफ बीएसए ये कहना चाह रहे हैं कि पेपरों की प्रिंटिंग नहीं की जाती है। कुछ पेपर जो है मौखिक भी होते हैं, लेकिन जबकि परिषदीय विद्यालयों का जो एक नियम है कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ इसको खिलवाड़ बताया जा रहा है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है वो वहां पे पहुंचना अनिवार्य होता है। ऐसे में बीएसए अभी तक जवाबों से जो है वो साफ तौर पे जो है कतराते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसमें लापरवाही, जहां तक लापरवाही की बात है, वो साफ तौर पे लापरवाही देखी जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे भी लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने जवाब मांगा है। बहुत जल्द उन्होंने बीएसए से स्पष्टीकरण के द्वारा जवाब मांगने की बात कही है। तो अभी तक इस मामले पे कोई भी कार्रवाई की गई है या सिर्फ अभी तक ये मामला सिर्फ जिलाधिकारी के संज्ञान में ही आया है? जी, अभी तक तो ये जिलाधिकारी के ही संज्ञान में मामला आया है, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई की बात नहीं सामने आई है। लेकिन जिलाधिकारी से जैसे ही मीडिया कर्मियों ने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा गया है, अतिशीघ्र इसमें जो है जवाब लिया जाएगा। अगर अगर जवाब सही नहीं आता है और जवाब जो है नहीं सही होता है तो इसमें जो है बीएसए के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद चैतन्य त्रिपाठी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उन्नाव में परीक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि बच्चों के पास प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचा। वही इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वो बीएसए से इस लापरवाही का जवाब भी तलब करेंगे। बहराइच में जिंदगी मौत से जूझ रही रचना को संजीवनी मिली। दरअसल प्राइम टीवी की सार्थक पहल से सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को न्याय मिला है। 6 महीने से बाधित तनख्वाह एक साथ खाते में पहुंची। अस्पताल में खराब स्वास्थ्य से जूझ रही सखी सेंट मैनेजर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति प्राइम टीवी की मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी। मैडम, क्या नाम है आपको और किस पद पर तैनात है? मेरा नाम रचना कटियार है और मैं वन स्टॉप सेंटर में सेंटर मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आपकी एक ऑडियो जो है वायरल हो रही है, क्या समस्या लेकर के आप जो है बात करने गई थी अपने अधिकारी से? मैं इसके गई थी सर से बात करने के लिए, क्योंकि मैंने सर से छुट्टी ली थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, पर मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं मतलब यहाँ पर नहीं आ पाई सेंटर पर, क्योंकि डॉक्टर ने हमको ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल भी मना किया था। पर जब सर ने यहाँ पे अब्सेंट हमारा लगा दिया तो मैं बिना डॉक्टर को बिना बताए मैं यहाँ पे भागी आई हूँ। इसके बाद मैं सर से कहने मतलब यही समस्या लेके गई थी कि सर आपने मेरा अब्सेंट लगा दिया, मेरे पास मेडिकल है, सब कुछ है, वो हमारी बात सुनने को तैयार।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता उदय जी जुड़ चुके हैं। उदय, क्या कुछ है ये पूरा मामला, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। मामला जो है सैलरी को लेकर के था। यहाँ वन स्टाफ सेंटर की जो मैनेजर थी, काफी समय से इनका जो है भुगतान नहीं हुआ था और इनकी प्रेगनेंसी जो है थी, काफी जो है इनको परेशान किया जा रहा था। आपने आरडीओ में सुना होगा जी। इनको जो है जब ये डीपीओ साहब से मिलने गई तो उन्होंने जो है इनसे तमाम तरह की बातें की और जो है उसमें अभद्रता भी की। कितने समय पहले का ये मामला बताया जा रहा है, जबकि इन्होंने बताया है कि बीते 6 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई थी, तो क्या इन्होंने किसी बड़े अधिकारी से इस बात की शिकायत की? बड़े अधिकारी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब डीपीओ के अंडर में होते हैं, तो डीपीओ से इनकी बात हुई थी और इसके बाद इन्होंने लिखित सूचना जो है सीडीओ मैम को भी भेजी थी। लगातार योगी सरकार कह रही है कि वो महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं को लेकर वो अलर्ट है, लेकिन जब महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होता है तो योगी सरकार के जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की जो महिला के साथ ये सब हो, इसकी वजह क्या है? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि यहाँ वन स्टाफ सेंटर में अधिकतर महिलाएं हैं और यहाँ कोई भी कर्मचारी खाना बनाने के लिए रसोइया नहीं है। ये लोग खुद ही, जो जितनी महिलाएं वहाँ पीड़ित महिलाएं रखी जाती हैं, उनका ये लोग स्वयं खाना बनाती हैं, स्वयं उनकी देखभाल भी करती हैं। लिहाजा इतना इनको परेशान किया, जबकि जो है यहाँ की जो सीडीओ है वो भी एक महिला है और यहाँ पर काफी जो है जब ये लोग डीपीओ से बात करने गए तो उन्होंने एक लाइन में ये कह दिया कि सबका भुगतान जो है वो जो है हो गया है। लेकिन जब हम लोग यहाँ उतर कर फील्ड पर आए तो इन लोगों का करीब 8 महीने से, किसी का 8 महीने का है, किसी का 10 महीने का, किसी का 6 महीने, सारे भुगतान ऐसे पेंडिंग थे। लेकिन जब खबर चली तो खबर के बाद कल इन लोगों में जो है इनके अकाउंट में 6 महीने का एकदम से जो है धनराशि जमा की गई। उदय शंकर जी, वीडियो पर क्या अभी कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई जो है दिखी नहीं है मैम ऐसी कि जो अभद्रता हुई है उस पर कोई कार्रवाई की गई हो। हालांकि जो है ये महिला इतनी परेशान थी कि इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है। उदय शंकर जी, इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो हम आपको बता दें कि बहराइच में प्राइम टीवी की खबर चलने का असर देखने को मिला, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को उनकी सैलरी, 6 महीने की सैलरी वीडियो द्वारा दे दी गई है। तो सेंटर के कर्मचारियों को प्राइम टीवी ने न्याय दिलाया है कि उन्हें बीते जो 8 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, कल खबर चलने के बाद उनके खाते में तत्काल प्रभाव से 6 महीने की सैलरी दे दी गई है। खबर मथुरा से है, जहां पिछले दिन जालसाजी के पैसे को लेकर भोम सिंह और उसकी पत्नी की पवन कुंतल ने मथुरा हाईवे थाना क्षेत्र की कॉलोनी में हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मृतक दंपत्ति का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनका शव उनके पैतृक गांव पहुंचाया, जहां शव को देखते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया, जिसके बाद 13 वर्षीय पुत्र ने गमगीन आंखों से अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। तो आपको बताते चले कि मथुरा से एक ऐसी जालसाजी की खबर आ रही है, जहां जालसाजी के चलते एक आरोपी ने दंपत्ति की हत्या कर दी, जिसके बाद इस मामले पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जो मृतक दंपत्ति है उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद दंपत्ति का शव उनके पैतृक आवास भेजा गया, जिसके बाद शव पहुंचने के साथ ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं इस पूरे मामले के बाद 13 वर्षीय पुत्र ने पूरे अपने गमगीन आंखों के साथ अपने माता पिता को एक साथ मुखाग्नि दी है। क्या नाम है? मेरा नाम दीवान सिंह है। अच्छा, जो ये घटना घटी है आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में, ये हमारे ताऊ जी का लड़का भीम सिंह है, उसकी पत्नी भी है, उसको शनिवार को शाम 8:30 बजे करीब यहाँ से गुम हो गया था, पता नहीं लगा। लेकिन हमने यहाँ गुमशुदा की मगोर्रा में FIR की, पता नहीं लगा। तीसरे रोज़ करीब जब वो नहीं आया तो पुलिस वालों ने वहाँ करीब ये कर्मयोगी कॉलोनी में दो सब मिले थे जलाए हुए, उन्होंने ही हमको यहाँ आकर सूचना दी कि आप यहाँ शनागत के लिए आइए। तो हम परिवारजन गए तो उनका छोटा भाई सूखा यहाँ था, तो उन्होंने कहा था कि उनको तो पवन लड़का एक दाल भरे का लेके गया था शनिवार। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही जिला प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वाले ईंट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के निर्देश पर तंबौर क्षेत्र के गांव ढ्योडे डीह के 3 ईंट भट्टों, अमन ब्रिक फील्ड, भारत ब्रिक फील्ड,
इंडिया ब्रिक फील्ड पर लहरपुर एसडीएम के नेतृत्व में भट्टा मालिकों के पास परमिशन नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई। तीनों ईंट भट्टों का बुलडोजर से ध्वस्तीकरण भी किया गया और नियम विरुद्ध भट्टा नहीं संचालित करने की हिदायत भी दी गई है। तो इस दौरान आप अपनी टीवी स्क्रीन की तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह अवैध तरीके से जो ईंट भट्टे संचालित हो रहे थे उस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, साथ ही बुलडोजर के जरिए इन ईंट भट्टों का ध्वस्तीकरण भी किया गया है। खबर सीतापुर से है जहां संदना थाना क्षेत्र के करसेंडा गांव में होमगार्ड के घर बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। होमगार्ड कर्ण सिंह के घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर लाखों की नकदी और संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि खुद पीड़ित होमगार्ड संदना थाना क्षेत्र में ही तैनात है। खबर औरैया से है जहां एरवा कटरा छिबरामऊ मार्ग पर स्कूटी सवार अपने निजी काम से रिश्तेदारी में जा रहे थे, जैसे ही स्कूटी सवार छिबरामऊ मार्ग एरवा कटरा पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार बस के नीचे आ गया, जबकि हेलमेट पहने होने के कारण उसके सिर में चोट नहीं आई लेकिन हाथ पैर में काफी गंभीर चोटें आई, जिन्हें तत्काल सीएचसी एरवा कटरा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों स्कूटी सवारों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सैफई मिनी पीजीआई रेफर कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वही बरेली में इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव राणा के संजय नगर स्थित कार्यालय आशीष इंटरप्राइजेस पर सवा कुंतल लड्डू को बंटवाया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का पिछला कार्यकाल पूरी तरह से जनता को समर्पित था। योगी राज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और अपराधी थर थर कांपते हैं। आगे उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर निश्चित रूप से प्रदेश का चौमुखी विकास कराया जाएगा। दो वर्षों में दो बार में हम लोगों ने जितनी सेवा की है बरेली की वो पूरी जनता जानती है। बरेली की जनता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का अवसर प्रदान किया कि हम उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आ जाएं, और मैं समझता हूँ इस बार हम और सेवा करेंगे। हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट तो हमारा आईटी पार्क का है जो सीबीगंज में आईटीआर कॉलोनी में बनना है, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और पास भी हो गया है और उसका कार्य यथाशीघ्र शुरू कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में है, उसकी एक ब्रांच बरेली में बने। ये दो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, बाकी छोटे मोटे काम। आज योगी जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में मिठाई का वितरण किया हुआ है, एक खुशी का माहौल है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है पब्लिक के बीच में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुशी मुख्यमंत्री बनने में, सवा क्विंटल, एक क्विंटल 25 किलो मिठाई, क्या कहेंगे इस मौके पे, किस तरह का जश्न है बरेली में? खुशी की लहर है, पूरे शहर में जश्न मनने हैं आज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।